नमस्कार, आपका स्वागत है माटी पीएस ऑन एयर पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी बुक में पाठ 12 आओ झूले पर, पेज नंबर 84 सही उत्तर पर राइट लगाओ, पेज नंबर 85 यह या वह, पेज नंबर 86 अम की मात्रा वाले शब्द, पेज नंबर 87 चित्रों के नाम लिखो, पढ़ो। Let's get started. For that we are using Vitan Hindi book page number 81. Part 12 आओ झूले पर। एक दिन बहुत बारिश हुई, मौसम ठंडा हो गया। रीचा दिशा के घर गई, दिशा से कहा चलो खेलने चलो। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हुई थी जिससे मौसम कैसा हो गया, ठंडा हो गया। रीचा दिशा के घर गई और दिशा से बोली कि चलो खेलने चलो। दिशा बोली क्या खेलोगी, बाहर बहुत कीचड़ है। दिशा के चाचा आए हुए थे, वे बोले बिटिया मुझे एक खेल समझ में आया है, यही आंगन में ही खेल सकते हैं। अपनी सखियों और मित्रों को भी बुला लो, तब तक मैं तैयारी करता हूँ। दिशा बोली रीचा से कि क्या खेलोगी, बाहर तो बहुत कीचड़ है। और दिशा के चाचा आए हुए थे तो चाचा बोले बिटिया मुझे एक खेल समझ में आया है जिसे आंगन में ही खेल सकते हैं। दिशा और रीचा से कहा कि अपने सखियों और मित्रों को भी यहाँ पे बुला लो, जब तक मैं तैयारी करता हूँ। दोनों सखियाँ फोन की तरफ भागी। दिशा के घर के आंगन में बड़ा सा नीम का पेड़ था, चाचा जी ने उस पर रस्सी लटकाई और झूला डाल दिया, झूले पर पटरा भी रख दिया। दिशा के चाचा ने क्या कहा, दोनों सखियां तो पहले फ़ोन की तरफ भागी अपने दोस्तों को बुलाने के लिए, और दिशा के चाचा ने जो उनके आंगन में एक बड़ा सा जो नीम का पेड़ था उसके ऊपर रस्सी डाली और पटरा लगा के एक झूला टांग दिया। तभी दिशा अपने मित्रों के साथ वहां पहुंच गई और दिशा अपने दोस्तों को लेकर वहां पर आ गई। नेक्स्ट पेज नंबर 82, क्या खेलेंगे क्या खेलेंगे, चिल्लाते हुए कई बच्चे आंगन में आए। झूला देखते ही सब खुशी से नाच उठे, सब बोले पहले में पहले में। सारे बच्चे क्या पूछने लगे, क्या खेलेंगे क्या खेलेंगे, चिल्लाते हुए कहाँ आए, आंगन में। झूला देखते ही सारे बच्चे खुशी से नाच उठे, सब बोलने लगे पहले में पहले में। चाचा जी भी बोले पहले में। बात काटती हुई दिशा बोली चाचा जी आपके भार से झूला टूट गया तो हम कहाँ झूलेंगे। चाचा जी भी बोलने लगे कि पहले मैं झूलूंगा, तो दिशा ने उनकी बात काटते हुए बोला कि आपके वजन से झूला अगर टूट गया तो हम कहाँ झूलेंगे। चाचा जी हंसते हुए बोले ठीक है चलो पहले मैं झूलाता हूँ। रीचा और दिशा झूले पर बैठ गई। चाचा जी हंसते हुए क्या बोले, ठीक है चलो पहले मैं झूलाता हूँ। तो उन्होंने पहले किसको झुलाया, रीचा और दिशा को, और वो झूले पर बैठ गई झूलने के लिए। पहले चाचा जी ने झुलाया, फिर ज्ञान और श्रेया ने। पहले चाचा जी ने झुलाया और फिर उसके बाद किसने झुलाया, ज्ञान ने और श्रेया ने झुलाया। पेड़ की डाले झूले के आने जाने से झूम उठी। नीम की शीतल हवा में सब बच्चे बारी बारी झूलने लगे। गायत्री झूले पर बैठी। जब झूला आ रहा और जा रहा था तो उससे क्या हो रहा था, पेड़ की डाले हिल रही थी जैसे मानो झूम उठी हो, और नीम की जो ठंडी ठंडी हवा थी उसमें बच्चे मजा लेकर बारी बारी झूल रहे थे, मतलब एक के बाद एक झूल रहे थे, और गायत्री झूले पर बैठी। नेक्स्ट पेज नंबर 83,
और वृंदा पटरे पर खड़ी हो गई। वृंदा पैंग बढ़ाने लगी, झूला ऊंचा ऊंचा जाने लगा। गायत्री ने गाना शुरू करा। गायत्री झूले पर बैठ गई थी और वृंदा उसी पटरे पर मतलब उसी झूले पर खड़ी हो गई। और वृंदा ने क्या करा, पैर से झूला वो लेने लगी, जिससे झूला ऊंचा ऊंचा जाने लगा और गायत्री ने गाना शुरू किया। आओ हिल मिल झूला झूले, पैंग बढ़ाकर नभ को छूले, झूम उठी है डाली डाली, गाय कोयल हो मतवाली। आओ हम सब मिलकर झूला झूले और पैर से झूला ले लेकर हम नभ को मतलब आकाश को छू लें। झूला झूलने पर ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ की डाली नाचने लगी है और कोयल गा रही है। ऋतु सुहानी अब है आई, कितनी सारी खुशियां लाई, झूम झूम हम झूला झूले, पैंग बढ़ाकर नभ को छू लें। बारिश का मौसम आया है और अपने साथ में बहुत सारी खुशियां लाया है, जिससे बच्चे झूम झूम कर झूला ले रहे हैं, पेड़ से झूला ले रहे हैं और आसमान को छू रहे हैं। सभी मिलकर गाने लगे। कुछ देर बाद चाचा जी आए, उनके हाथ में समोसे और जलेबियां थी। सभी बोले वाह वाह, खेल का खेल और पिकनिक की पिकनिक। सभी बच्चे गाना गाने लगे और कुछ देर बाद वहां पर चाचा जी आए और उनके हाथ में समोसे और जलेबियां थी। तो सभी बच्चे क्या बोले, वाह वाह, खेल का खेल हो गया और पिकनिक की पिकनिक। नेक्स्ट पेज नंबर 84, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर पर राइट लगाओ। यहाँ पे जो आपको उत्तर दे रखे है उसमें से हमें बताना है कौन सा सही है, उस पर हमें टिक लगाना है। फर्स्ट, झूला किसने डाला, किसने डाला था झूला, चाचा जी ने या दादाजी ने, चाचा जी ने, तो यहाँ पर राइट का टिक लगा हुआ है। सेकेंड, झूला कहाँ डाला, झूला कहाँ डाला था, छत पर या पेड़ पर, पेड़ पर, तो हम यहाँ पर पेड़ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, मौसम कैसा था, ठंडा था या गर्म, ठंडा, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट, सब बच्चे कैसे झूले, एक साथ या बारी बारी, तो बारी बारी, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। एंड लास्ट, कौन गा रही थी, कौन गा रही थी गाना, रीचा या गायत्री, गायत्री, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, सबने जो खाया चित्र बनाकर दिखाओ। सबने क्या खाया था, जलेबी और समोसे, तो यहाँ पर ये समोसे का चित्र है और ये जलेबी का चित्र है, तो आपको भी ऐसा बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, आपको चाचा जी कैसे लगे बताओ और लिखो। आपको चाचा जी कैसे लगे, अच्छे लगे या नहीं लगे, वो आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट पेज नंबर 85, यह या वह, गरम, तो गरम का क्या होता है, ठंडा, जैसे यह चाय क्या है, गरम है, और यह आइसक्रीम क्या है, ठंडी है, तो गरम का विलोम शब्द क्या होता है, ठंडा। नेक्स्ट ऊपर, ऊपर का क्या होगा, नीचे, जैसे ये टेबल पे ये जो टोपी है कहाँ रखी है, ऊपर रखी है, और इस चेयर के नीचे बिल्ली बैठी है, तो ये क्या हो गई, नीचे। ऊपर का विलोम शब्द क्या होता है, नीचे। नेक्स्ट अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या होगा, बाहर, जैसे ये बिल्ली, सॉरी, ये चूहा कहाँ है, इस बिल के अंदर है, और ये डॉग कहाँ है, इस घर के बाहर है, तो अंदर का विलोम शब्द क्या हुआ, बाहर। नेक्स्ट छोटा, छोटे का विलोम शब्द क्या होगा, बड़ा, ये एनिमल कैसा है, छोटा है, और ये एनिमल कैसा है, बड़ा, इसलिए छोटे का विलोम शब्द क्या होगा, बड़ा। नेक्स्ट शुरू, शुरू का विलोम शब्द क्या होगा, आखिर, ये खरगोश कहाँ है, शुरुआत में, और ये खरगोश कहाँ है, अंत में, तो ये क्या होगा, आखिर, शुरू का विलोम शब्द क्या होगा, आखिर। नेक्स्ट पेज नंबर 86, यहाँ हम अंक की मात्रा पढ़ेंगे। यहाँ हमें कुछ अंक दिए हुए हैं, 1, 2, 3, इसे क्या बोलते हैं, अंक। नेक्स्ट ये कौन सी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे, अंगूर की। ये कौन सी पिक्चर दी हुई है, पतंग की, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पतंग।
नेक्स्ट ये कौन सी पिक्चर दी हुई है? रंग की। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? रंग। नेक्स्ट यहाँ आपको कौन सी पिक्चर दी हुई है? घंटे की। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? घंटी। नेक्स्ट यहाँ आपको कौन सी पिक्चर दी हुई है? हंस की। तो हम यहाँ पे हंस लिखेंगे। एंड लास्ट यहाँ पे आपको कौन सी पिक्चर दी हुई है? खंबा की। तो यहाँ पे खंबा लिखा हुआ है। यहाँ आपको जो ड्रेसिंग दी हुई है और जो डैश दे रखे हैं उसमें आपको लिखना है एज इट इज। नेक्स्ट पेज नंबर 87, चित्रों के नाम लिखो। यहाँ आपको जो चित्र दिए हुए हैं उसके नाम हमें लिखना है। जैसे यहाँ पे कौन सा चित्र दिया हुआ है? घंटा घर का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? घंटा घर। नेक्स्ट यहाँ पे आपको कौन सा चित्र दिया हुआ है? पतंग का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? पतंग। नेक्स्ट यहाँ कौन सा चित्र दिया हुआ है? अंडे का। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? अंडा। एंड लास्ट यहाँ पे आपको कौन सा चित्र दिया हुआ है? बंदर का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? बंदर। नेक्स्ट पढ़ो। यह घंटाघर है, ये घंटाघर है, घंटाघर पर घड़ी लगी है। घंटाघर पे क्या है? घड़ी लगी हुई है। घड़ी समय बताती है और घड़ी क्या बताती है? समय। घड़ी की दो सुइयां हैं, घड़ी की दो सुइयां होती है। बड़ी सुई 12 पर जाएगी, बड़ी सुई जो 12 पर जाएगी घड़ी करेगी टन टन। और घड़ी क्या करेगी? टन टन। एक बजा तो एक बार टन टन, अगर एक बजी तो एक बार टन टन करेगी। 10 बजा तो 10 बार टन टन करेगी, अगर 10 बजी तो 10 बजेगी तो वो घड़ी कैसे करेगी? टन टन टन। घड़ी बताती है कितना बजा, और घड़ी क्या बताती है? कि कितना टाइम हुआ है, एक बजा या 10 बजा। और ये घड़ी क्या बताती है? एक बजी है या 10 बजी है। Thanks for watching. So I hope this video is helpful. Write on the comments, give me a feedback. If you have any question regarding this video, I will happy to answer. Also like, share and comment. Have a nice day.